Salman Khan hosted the screening of Hindi Medium, where many of Bollywood celebrities along with teachers came for the screening, like Sushant Singh Rajput, Suraj Pancholi, Shreyas Talpade, Deepak Dobriyal, Piyush Mishra, Sonal Chauhan, Harshvardhan Rane, Mukesh Chhabra, and a host of others at Sunny Super Sound Mumbai. Let's hear the reactions of celebs on what they feel about Hindi Medium. तो एक जरूरत हो गई है अंग्रेजी, और अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजी दुश्मनी बांधने का कोई दुख भी नहीं है, जबानें जितनी हो सके सीखना वो अच्छी बात है। मैं जवाब दे दूं पहले पूरा? तो लेकिन अपनी भाषा पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर आपको बाई चांस कोई भाषा नहीं आती है तो आप में एज ए पर्सन, एज ए इंसान आपको कोई कमी है, आपको अपने भाषा पे, अपने कल्चर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रीनिंग हमने अपने एडमिशन के लिए करी है कि हमें स्कूल में एडमिशन मिलेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और बहुत ही जेन्युइन, और वो काफ़ी रिलेट कर पा रहे थे चीज़ों से। करेंगे तो सभी, पर वो तो इतना हंस रहे थे, मतलब मज़ा आ गया। ये खुश करने वाली फिल्म है, लोग खुश होके निकले हैं, लोग घर पे जाके थोड़ा ख्याल रहे और फिल्म का ख्याल रहे और मुस्कुराते निकले और लोगों को लगे कि मज़ा आया। मैं एक, मेरा एक सीन है जिसमें मुझे अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए कुछ लिखना है, पेपर पे लिखना है, वो मैं पढ़ता हूँ तो एक टीचर ने बोला इसको तो हिंदी मीडियम में भी नहीं मिलेगा एडमिशन। डायरेक्टर हैं साकेत, उनकी पिछली फिल्म मैंने देखी है और वो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। इसके बारे में सुना बहुत अच्छा है, इरफान बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनके बारे में तो पता ही है, और भी इसमें एक्टर्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रोड्यूसर इसके दिनेश विजयन हैं, जिनके साथ मैंने उनकी पहली फिल्म बनाई है, तो बहुत सारे धागों से बंधा हूँ। नहीं, राष्ट्रभाषा है, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, यहाँ पे अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो कोई बात नहीं है, आप हिंदी में अगर बात कर सकते हो लोगों से तो बिल्कुल उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बचपन में जब बाकी के सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते रहते हैं और आप अगर बात नहीं कर पाते तो थोड़ा सा लगता है, बट यू नो आई गेस एज यू प्रॉब्ली ग्रो ओल्डर आपको समझ में आता है कि यार ठीक है, मतलब हिंदी में मैं चाहता हूँ हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में कर सकता हूँ, बट अगल बगल में देख के थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स आता है वो अभी जो जनरेशन है उनका हल्के हल्के वो निकलता जा रहा है, एंड आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं भैया हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे।